Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today, 18 June 2019, Tuesday, सुबह के 7:55 हो रहे हैं। कल हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा कि लास्ट वीक जो वीकनेस दिखाई दिया था वो एक्सटेंड हो गया और हफ्ते के पहले ही दिन 150 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो अभी आने वाले दिनों में इस वीक के जो चार ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उसमें सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे है और कहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दे। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 17 जून 2019 आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल के स्ट्रेटेजी, कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,890 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,797। तो इन लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया था ये अगर देखना है तो कल का वीडियो हमारा देख लीजिए। ये ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का डेटा हमें कल का कैंडलस्टिक का डेटा प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि कल आप देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन लेवल 11,797, जैसे निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ओपन हुआ पिवट पॉइंट के पास टूवर्ड साउथ ये मूव करने लगा और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ हमारा फर्स्ट टारगेट 11,776 ये अचीव हुआ और उसके बाद सेकेंड टारगेट 11,762 ये भी अचीव हुआ और उसके बाद कुछ टाइम यहाँ पर इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया। सेकेंड जो टारगेट था 11,762 इस लेवल को पेनेट्रेट किया और भी टूवर्ड साउथ की तरफ इसने मूव दिखाया। लेकिन जो हमारा कल का प्लान बन रहा था उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस, कल के स्ट्रेटेजी का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान में बंद हुए और यूरोपियन बाजार देखे तो वहां पर मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एशियाई मार्केट आज जब ओपन हो चुके हैं तो निक्की जापानीज इंडेक्स 52 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट में भी हल्की सी कमजोरी है और हांगकांग मार्केट 140 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 21 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 16 पॉइंट की एक मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी अभी मिले जुले संकेत आ रहे हैं, ट्रेड वॉर का प्रेशर बन रहा है। तो देखते हैं निफ्टी में आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, फिर डेली चार्ट और फिर 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया गया है क्योंकि आने वाले सपोर्ट को लेवल्स को जो आइडेंटिफाई करना है इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज किया जाता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं इसने 11,700 का ये जो लेवल था 750 के आसपास यहाँ पर ये स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई का रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, ये भी इसने ब्रेक कर दिया। तो अभी एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये एग्जैक्ट 50% का लेवल जहाँ पर ये गैप अप ओपनिंग हुआ था उसका इनिशियल लेवल आ रहा है अराउंड 11,600 के पास। तो 11,600 अभी एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है और उसके बाद ये 20 EMA, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं हम, 20 EMA एग्जैक्ट 61.8% के लेवल के पास आ रहा है। तो यहाँ पर 11,488 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर 11,600 ब्रेक करता है तो, और अगर वीकली चार्ट में ये 20 EMA भी ब्रेक होता है तो यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स में गिरावट है वो और भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो ट्रिगर पॉइंट है, फंडामेंटली ट्रिगर पॉइंट है, ये बजट के ऊपर निर्भर करता है। 5 जुलाई को सरकार बजट पेश करेगी, अगर उसमें अच्छा कुछ रियलिटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा पैकेज अगर सरकार लाती है तो यहाँ से एक ट्रिगर पॉइंट देखने को मिलेगा 5 जुलाई को। लेकिन उससे पहले ये सपोर्ट लेवल्स है, यहाँ से भी निफ्टी इंडेक्स बाउंस बैक होता है। वीकली चार्ट में अगर 20 EMA अगर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से निफ्टी में और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर कल का आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई थी, हेड एंड शोल्डर।
ये कल यहाँ पर मतलब फ्राइडे को यहाँ पर बंद हुआ था 20 ईएमए के पास, तो यहाँ से अगर ये नेकलाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जो कि बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, तो इसका नेक लाइन अभी ब्रेक हो चुका है और इसने टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव दिखाया, तो ये पैटर्न यहाँ पर वर्कआउट हुआ है और नेक लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी कल इसने एग्जैक्ट ये 50 ईएमए का जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये अराउंड 11,656 के पास आ रहा है। एग्जैक्ट इसने ऑलमोस्ट कल का लो 11,657 का लगा, तो ये 50 ईएमए अभी सपोर्ट के पास निफ्टी इंडेक्स है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये इमीडिएट 11,605 का यहाँ पर ये सपोर्ट है। अगर पास्ट में देखें, ये पास्ट में अगर हम एनालिसिस करें तो 50 ईएमए को ज़्यादातर टाइम इसने रिस्पेक्ट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहाँ पर, और यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया है, ये 50 ईएमए के यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, फिर यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, तीन टाइम देखने को मिला है 50 ईएमए को इसने रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक दिखाया। और उसके बाद अगर 50 ईएमए ये ब्रेक करता है तो 100 ईएमए ये जो ग्रे लाइन है इसको इसने रिस्पेक्ट किया और बाउंस बैक दिखाया है, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ और ये यहाँ पर, तो 50 ईएमए अगर ब्रेक करते हैं तो 100 ईएमए को ये सपोर्ट एज अ टेस्ट कर सकते हैं और बाउंस बैक हो सकता है, तो ये सपोर्ट लेवल के पास है अभी यहाँ पर, तो यहाँ से फिर से अगर लॉन्ग जाना है तो वेट करना होगा, जब तक ये 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजिशन हम बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अभी 50 ईएमए अगर ब्रेक होता है तो 100 ईएमए है, अगर मैं इसे 100 ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दूं, तो आप देख सकते हैं लास्ट जो ये बाउंस बैक आया था तो वो एग्जैक्ट 100 सिंपल 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज जो था इसके यहाँ से इसने टेस्ट किया था सपोर्ट और फिर बाउंस बैक आया था, तो 100 ईएमए भी अगर ब्रेक होता है तो ये 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज 11,350 के पास आ रहा है, ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा अगर ये लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को। तो ये डेली चार्ट का सीनरियो, जब तक ये 20 ईएमए के ऊपर अभी फिर से एक बार नहीं चला जाता तब तक यहाँ से अपसाइड मूव लॉन्ग पोजिशन बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यह 60 मिनट का चार्ट, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को अगर ड्रॉ करूँ आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए स्विंग हाई लो को पकड़कर, तो यहाँ पर मैं और कुछ लेवल्स ऐड कर देता हूँ, 123.6, 150 और 176.4, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ये इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। 123.6 का ये जो लेवल था इसी के पास इसने, ये आर्ली चार्ट देख रहे हैं हम, अगर मैं इसे 10 मिनट के चार्ट में अगर कन्वर्ट कर दूं तो और आपको ये लेवल्स क्लियरली रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 100% का ये जो लेवल है 11,750, ये देखिए इसने काफ़ी देर तक इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद 123.6 का ये जो लेवल था इसे भी ये पेनेट्रेट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, और ये जैसे ही लेवल्स टूट रहे थे तो निफ्टी इंडेक्स में और भी गिरावट देखने को मिल रही थी, और कल इसने एग्जैक्ट ये 150 का ये जो लेवल था 11,656 यहाँ पर 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा था डेली चार्ट में हमने देखा, तो एग्जैक्ट यहाँ पर भी इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया, तो अभी ये 11,656 यानी 150% का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 11,634 और उसके बाद 11,600 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो ये प्रोजेक्शन है फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के थ्रू हमने इसे ड्रॉ किया है। तो अगर आज इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है तो देखते हैं क्या लेवल्स आज के लिए बन सकते हैं। ये अगर कल का लो अगर कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है, कल का लो यानी ये सपोर्ट लेवल के पास है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग के पास है, तो ये अगर 11,655 को अगर ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा इमीडिएट फर्स्ट टारगेट होगा
11,617 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,605, ठीक है। और अगर ये ऊपर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है पिवट पॉइंट का लेवल अराउंड 11,724 ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 11,764, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,794, ठीक है। तो ये है आज के लिए निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।